खेसारी लाल यादव पहुंच गए हैं अपने गांव। जी हां, आपने सही सुना, खेसारी लाल यादव पहुंच गए हैं अपने गांव और वहीं करेंगे वो अपनी बाकी सारे एल्बमों की शूटिंग। जिस तरह से आरा में रहकर पवन सिंह अपने एल्बमों की शूटिंग कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से अपने गांव पहुंचकर अब खेसारी लाल यादव भी यही करने वाले हैं। खेसारी लाल यादव ने अपने गाँव जाकर वहीं पर कुछ दिनों तक रहने का फैसला किया है और वहीं पर वो निकालेंगे अपने सारे एल्बमों की वीडियो, जिस तरह से पवन सिंह निकाल रहे हैं। और सुनने में आया है खेसारी का जो नया घर बना है उसमें खेसारी लाल यादव ने अपने लिए एक छोटा सा रिकॉर्डिंग रूम भी बनवा कर रखा है जहां से वो सारे गाने रिकॉर्ड करेंगे। ये आप तस्वीरें देख लीजिए, इस वक्त जो तस्वीरें हमारी स्क्रीन पे चल रही हैं वो खेसारी लाल यादव के गाँव की ही हैं। वैसे आजकल खेसारी लाल यादव का गाना मौगी खेले पबजी खूब धूम मचा रहा है। आपने देखा होगा कि इसके व्यूज़ लगातार बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही साथ 2 लाख तक इसके लाइक्स आ चुके हैं। गाने को बहुत पसंद किया गया है और लोगों की डिमांड है कि खेसारी इस लॉकडाउन में अपने फैंस का मनोरंजन करें। तो खेसारी लाल यादव भी पहुँच चुके हैं अपने गाँव फैंस का मनोरंजन ही करने। वो लगातार अपने जितने भी बचे गाने हैं जिसका ऑडियो रिलीज़ हुआ है लेकिन वीडियो रिलीज़ नहीं हुआ है, उनके वीडियो रिलीज़ करेंगे जिस तरह पवन सिंह कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव ने कहा है कि लॉकडाउन का हम भी पूरी तरह से पालन करेंगे, साथ ही साथ सैनिटाइज़र से लेकर हर एक चीज़ें हमारे शूट पर उपलब्ध भी कराई जाएंगी। और खेसारी लाल यादव अपना वीडियो लोकल कलाकारों को लेकर ही शूट करेंगे। उन्होंने पहले ही कह दिया है कि मुंबई से या फिर जहाँ भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकार रहते हैं वहाँ से किसी कलाकार को नहीं मंगाया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा, सिर्फ लोकल कलाकारों को बुलाकर ही शूटिंग की जाएगी। तो भाई, जो भी खेसारी लाल यादव के फैंस हैं अब खुश हो जाइए, क्योंकि खेसारी लाल यादव एक से बढ़कर एक वीडियो लेकर आएंगे और एक से बढ़कर एक गाने। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।